अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पुलिस को लिखा है इस जमन में कि आप इन्वेस्टिगेट करें, अगर ये उसमें मुलवस है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल, तो आपको पता है कि हाँ, हमारा जो प्लान होता है वो ग्राम सभा में हम अप्रूव करते हैं, और ग्राम सभा में जो एज अ नोडल ऑफिसर में एज एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ही कर रहा है, डिप्टी सरपंच रावलपुरा ए में काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वहाँ पे एक मोशन हुई है सरपंच के खिलाफ, तो उसके इवज में सरपंच को सस्पेंड किया गया है, अभी वो कोर्ट में वो मसला है। लेकिन जो हमारा डिप्टी सरपंच है हफीजुल अमीर, ये एज ए नायब सरपंच काम करता था वहाँ तक, जो और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है। लेकिन मैं अभी सुनने में आया है कि उसने कोई सील बनाई है एज ए सरपंच, तो वो बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, जिस तरह ऑलरेडी एक पिटीशन उसके खिलाफ डाली गई है कोर्ट में। जो हमारा डिप्टी सरपंच है हफीजुल अमीर, ये एज ए नायब सरपंच काम करता था वहाँ तक, जो और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है। लेकिन मैं अभी सुनने में आया है कि उसने कोई सील बनाई है एज ए सरपंच, तो वो बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, जिस तरह ऑलरेडी एक पिटीशन उसके खिलाफ डाली गई है कोर्ट में, और पुलिस इसकी वेरिफिकेशन कर रहा है, और हमने भी पुलिस को लिखा है कि ये एज अ डिप्टी सरपंच काम करता है, न कि एज अ सरपंच। चूँकि आपको पता है जब रिमूवल ऑफ सरपंच हो गया था, उसके बाद इमीडिएटली असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर काजियाबाद को एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है, और जो भी काम काज वहाँ पे हो रहे हैं वो उसकी उसी के जमीन उसी के अहाते में हो रहे हैं। और हाँ, नो डाउट, इसमें हमारी जो पंचायतें हैं, पंचायत मेंबर जो हैं, उसमें एक मेंबर जो हमारा डिप्टी सरपंच भी है, जिस तरह बाकी पंचेस भी हैं, लेकिन वो एज अ नायब सरपंच काम करता है, न कि एज अ सरपंच, क्योंकि इसका यहाँ पे सरपंच ब्लॉक डेवलपमेंट काजी आबाद है।